हेलो प्यारे बालकों, बेटा जल्दी से बेटा ज्वाइन कर जाए। शुरुआत करते हैं बेटा आज के नए सेशन में, जहां बालकों आप लोगों को सीखने को मिलेगा आज बेटा जैविक अणु के बारे में। बालक जैविक अणु को लेकर या बायो मॉलिक्यूल से लेकर बेटा जो आपके मन में डाउट होता है कि कैसे सवाल यहाँ पूछे जाते हैं बेटा, तो हम जैविक अणु को लेकर जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बालक बनते हैं एनसीईआरटी के लिए हो या बालक आप कह सकते हैं बेटा नीट के लिए हो, वो सारे सवालों की बेटा श्रृंखला आपके सामने बेटा हम लेकर आए हैं। और यहाँ आप देखेंगे बेटा आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन बेटा साइंस दीवाने विद्याकुल पर आपके सामने बेटा हम लेकर आए हैं। और जल्दी से बेटा सभी लोग जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए बेटा और सेशन को बालक जल्दी से बेटा शेयर कर दीजिए। बालकों मैं फिर से कहूंगा साइंस दीवाने विद्याकुल पर आप लोगों का वेलकम है, फटाफट जल्दी से बेटा सभी लोग ज्वाइन कर जाइए। शुरुआत करते हैं आज के नए सेशन में, जहाँ बेटा आप देखेंगे जैविक अणु के बारे में। बालकों आपसे क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का सूत्र CXH2OY, मैं लिख दे रहा हूँ बेटा CXH2OY को संतुष्ट नहीं करता है, या बालक नहीं इनमें से बालक इस फॉर्मूले को संतुष्ट करता है बेटा। ऑप्शन ए फ्रक्टोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी डीऑक्सीराइबोज, ऑप्शन बी लैक्टोज। बालक इनमें से कौन सा भैया यहाँ पर संतुष्ट नहीं करता है वो पूछा जा रहा है। एक बात मैं फिर से कहूंगा बेटा, जो संतुष्ट नहीं करता है उसको बताना है आपको। तो आप किसको बताएंगे कि यहाँ पर सर जो आपके पास डीऑक्सीराइबोज है, ये डीऑक्सी बेटा राइबोज इस फॉर्मूले को संतुष्ट नहीं कर पाता है, तो आपके पास बालक ऑप्शन कौन सा बनेगा, सी वाला। ठीक है बेटा, मैं फिर से कहूंगा बेटा सेशन को जल्दी से बालक दबा के शेयर कर दीजिए और बेटा जल्दी से बालक अपने दोस्तों से सेशन को शेयर करके फटाफट बेटा ज्वाइन कर जाइए। शुरुआत कर रहे हैं बेटा नए सेशन में जैविक अणु के बारे में। चलिए बालक दूसरा आपके पास क्या कहा जा रहा है बेटा, दूसरा आपसे कहा जा रहा है बेटा कि निम्नलिखित में से किस कार्बोहाइड्रेट का सूत्र C12H22O11 नहीं है। इनमें से बेटा किसका सूत्र C12H22O11 बेटा नहीं है। पहला ऑप्शन आपके पास गैलेक्टोज, दूसरा बेटा आपके पास सुक्रोज, तीसरा बेटा आपके पास एलोलैक्टोज और बेटा चौथा आपके पास माल्टोज। यानी बेटा यहाँ से ये पूछा गया कि इनमें से बेटा किसका, बालक इनमें से किसका सूत्र बेटा यहाँ पर नहीं है कहा गया है। यानी बेटा C12H22O11 इनमें से बेटा नहीं है, तो आप कौन सा बेटा कहेंगे, गैलेक्टोज। गैलेक्टोज बेटा आपके पास C12H22O11 का सूत्र को नहीं दिखाता है। बाद बाकी सभी बेटा ये आपके पास सुक्रोज हुआ, एलोलैक्टोज हुआ या माल्टोज हुआ बेटा, ये सभी बेटा C12H22O11 सूत्र को दिखाते हैं बेटा। चलिए अगला वाला सवाल देखेंगे। अगले सवाल में क्या कहा गया है कि सूत्र C2H2O2 वाला इनमें से कौन सा एक बेटा यौगिक बन के आपके सामने आ रहा है। और यहाँ आपके पास कहा गया बेटा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड या मोनोसैकेराइड। बेटा आपसे ये पूछा गया है कि आपके पास C2, मैं लिख दे रहा हूँ बेटा C2H2O का होल ट्वाइस, इनमें से बालक किसका सूत्र यहाँ बेटा बन के आ रहा है, तो आप बेटा बताएंगे किसको, कार्बोक्सिलिक अम्ल को। बालक अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल को बनाने की बेटा कोशिश कर रहे हैं तो आप देख पाएंगे बेटा कार्बन कार्बन यहाँ आपके पास डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, यहाँ बालक आपके पास हाइड्रोक्सी, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो बालक आप देख पाएंगे कि आपके पास कार्बन की संख्या कितनी है, तो कार्बन संख्या बेटा 2 है, तो यहाँ पे आपके पास कार्बन की संख्या 2 है। यहाँ बेटा 2 से गुणा कर देंगे तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। यहाँ पे कितनी है, 1, 2, 3 और यहाँ बालक 4। और ऑक्सीजन को 2 से बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 2। और बालक यहाँ आपके पास कितने हैं बेटा, 2। यानी ये आपके पास इथेनॉइक अम्ल यानी बेटा एसिटिक अम्ल यानी बेटा विनेगर का बेटा सूत्र लिखा गया था, और ये आपके पास बालक किसमें आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ऑप्शन में एकदम सही बनेगा बेटा। बालक बिना देर किए बेटा अगले सवाल पे हम आते हैं बेटा। अगला सवाल आपसे क्या कहा गया है कि कार्बोहाइड्रेट रेमनोज के लिए बेटा सही सूत्र इनमें से बेटा कौन सा बनेगा। आपके पास बालक रेमनोज के लिए बेटा सही सूत्र इनमें से कौन सा बनेगा, आपके पास बालक लिखा है C5H10O5, C5H10O5 ये वाला बनेगा, या फिर बेटा लिखा है C6H12O5। बालक हमको दिखाई दे रहा है बी वाला ऑप्शन आपके पास एकदम सही बन जाएगा। रेमनोज के लिए बेटा आपके पास सही सूत्र बेटा कौन सा बनेगा, C6H12O5। ठीक है, चलिए अगला वाला सवाल क्या दिया गया बेटा कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक वर्ग कार्बोहाइड्रेट के बड़े समूह का हिस्सा नहीं है। बेटा इनमें से ये कहा गया बेटा कि इनमें से कौन सा आपके पास बालक बड़े कार्बोहाइड्रेट या बालक कह सकते हैं बेटा बड़े समूह का हिस्सा इनमें से नहीं बन के आ रहा है बेटा, तो आप बेटा कौन सा बताएंगे बेटा। यहाँ पे आपके पास क्या रखा है बेटा कि पॉली अमीनो एल्डिहाइड ये तो होता है, पॉली हेलो एल्डिहाइड ये भी बेटा आपके पास होता है, और पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन्स ये आपके पास नहीं बनता है बेटा, क्योंकि बेटा इसमें क्या पूछा गया कि बड़े समूह का हिस्सा नहीं है बेटा, तो कौन सा बनेगा, पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन्स ही आपके पास हिस्सा नहीं बनता है। अगला बालक सवाल देखेंगे आपसे क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट चीनी नहीं है। बेटा इनमें से बेटा ये कहा जा रहा है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट चीनी नहीं है। ऑप्शन दिया गया बेटा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, उसके बाद बेटा आपके पास
सेल्यूलोज, इनमें से बेटा कौन सा आपके पास चीनी नहीं है? तो बेटा आप कहेंगे सर सेल्यूलोज आपके पास चीनी बेटा कार्बोहाइड्रेट चीनी नहीं होता है, तो बेटा ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? डी, क्योंकि बेटा ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, लैक्टोज होता है, लेकिन आपके पास सेल्यूलोज आपके पास कार्बोहाइड्रेट चीनी नहीं बनता है बेटा। चलिए उसके बाद बालक देखेंगे अगला सवाल आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसेक्राइड बेटा इनमें से नहीं बालक बनता है, इनमें से बेटा कौन सा पॉलीसेक्राइड बेटा नहीं बन के आता है बेटा, और ऑप्शन बालक आपसे क्या क्या कहा गया बेटा? सेल्यूलोज आपके पास वाला स्टैचोज स्टार्च और बालक ग्लाइकोजन, बेटा आपके पास ऑप्शन कौन सा बन जाएगा बेटा? स्टार्च होता है, ग्लाइकोजन होता है, सेल्यूलोज भी होता है, और इनमें से जो बेटा पॉलीसेक्राइड नहीं होता है बेटा वो आपके पास कौन सा बनेगा? ऑप्शन बी वाला बेटा, ऑप्शन बी वाला जो आपके पास दिया गया है ये पॉलीसेक्राइड नहीं होता है बेटा। अगला सवाल देखेंगे बेटा, अगले सवाल में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेक्राइड है बेटा इसको पहचाने, इनमें से बेटा कौन सा मोनोसेक्राइड है, इनमें से वाला कौन सा बेटा मोनोसेक्राइड है बेटा, ये पहचानने के लिए बोला जा रहा है कि इनमें से बेटा पहचानिए कि कौन सा आपके पास मोनोसेक्राइड है। ठीक है, ऑप्शन बेटा दिया गया डीऑक्सीराइबोज, सुक्रोज, माल्टोज, और उसके बाद बेटा आपके पास दिया गया है फ्रक्टोज, इनमें से बेटा कौन सा बेटा मोनोसेक्राइड बेटा है? फटाफट बेटा सबसे बड़ा पहचानिए, तो हम कह सकते हैं ना डीऑक्सीराइबोज, जो आपके पास बालक बना डीऑक्सीराइबोज, ये आपके पास मोनोसेक्राइड बन जाएगा पहला वाला ऑप्शन। सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, ये आपके पास बालक मोनोसेक्राइड के अंदर नहीं आते बेटा। ठीक है, चलिए अगला आपके पास बेटा ऑप्शन दिया गया है राइफिनोज, एक तरीके के बेटा उदाहरण है कैसा, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड या बेटा टेट्रासेक्राइड, बेटा कैसा बनेगा बच्चे बालक बेटा फटाफट बेटा बताइए बेटा कैसा बनेगा बेटा रेफिनोज, किस तरीके के बालक एग्जांपल में आता है? तो आप कहेंगे सर रेफिनोज आपके पास जो आता है वो आपके पास ट्राइसेक्राइड के अंदर आता है बेटा। किसके अंदर बेटा अंदर आता है? ट्राइसेक्राइड, रेफिनोज बेटा आपके पास ट्राइसेक्राइड के अंदर आता है। ठीक है बेटा, चलिए अगला सवाल बेटा देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेक्राइड हाइड्रोलिसिस पर दो समान मोनोसेक्राइड बेटा इकाइयां को बनाकर देता है? बालक इनमें से बालक कौन सा डाइसेक्राइड हाइड्रोलिसिस पर दो समान मोनोसेक्राइड की इकाइयां बालक बना के देता है? माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज या बालक लैक्टुलोज, बालक ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? पहला वाला माल्टोज। जब इसको आप ब्रेक करेंगे, जब आप इसको तोड़ेंगे तो आपके पास दो समान मोनोसेक्राइड बनते हैं। ठीक है, चलिए अगला वाला सवाल देखिए, सुक्रोज निम्नलिखित में से किस मोनोसेक्राइड इकाई से बालक बना है? सुक्रोज बेटा निम्नलिखित में से किस मोनोसेक्राइड बालक इकाई से बना है? ऑप्शन दिया गया फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज। बालक आप बताएंगे कि सर यहाँ पे आपके पास जो सुक्रोज बना है बेटा, आपके पास सुक्रोज निम्नलिखित में से किस बेटा मोनोसेक्राइड की इकाई से बना है? तो आपका आंसर फ्रक्टोज और ग्लूकोज की बेटा इकाई से बना हुआ है। ठीक है बेटा, चलिए अगला बालक सवाल देखेंगे बेटा, अगला सवाल आपसे क्या कहा जा रहा है देखेंगे बेटा जल्दी से बेटा फटाफट। अगला सवाल बेटा आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस डाइसेक्राइड में दो ग्लूकोज की इकाइयां नहीं होती है बेटा, इनमें से किस डाइसेक्राइड में दो ग्लूकोज की इकाइयां नहीं होती है? ऑप्शन दिया गया है टेट्राहेलोज, सेलोबायोज, आइसोमाल्टोज या लैक्टुलोज, बेटा इनमें से क्या बनेगा बेटा? फटाफट बेटा बताइए बेटा क्या बनेगा बेटा, इनमें से बेटा क्या बनेगा? निम्नलिखित में से किस डाइसेक्राइड में दो ग्लूकोज की इकाइयां नहीं होती हैं, ये बालक पूछा गया बेटा। फटाफट जल्दी से बेटा आंसर दीजिए बेटा क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर लैक्टुलोज, यहाँ पर बेटा आपके पास नहीं बनता दिखाई देगा, इसके अंदर बेटा डाइसेक्राइड में दो ग्लूकोज की इकाई बालक नहीं होती, किसके अंदर? लैक्टुलोज के अंदर। ठीक है, चलिए अगला बालक प्रश्न क्या बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सी बालक गैर घटाने वाली चीनी बेटा आपके पास, बालक इनमें से कौन सी बालक आपके पास गैर घटाने वाली चीनी बेटा, ये बेटा आपसे पूछा गया है। यह बालक हम कह सकते हैं बेटा इनमें से बेटा कौन सा आपके पास नॉन रिड्यूसिंग बेटा शुगर है, इनमें से बेटा आपके पास कौन सा नॉन रिड्यूसिंग बेटा शुगर कहा जा रहा है, इनमें से बेटा कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहा जा रहा है बेटा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और बेटा इनमें से जो सही आंसर आपके पास बनेगा वो कौन सा बनेगा? ऑप्शन डी वाला, जो ऑप्शन डी है बेटा ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर के रूप में जाना जाता है। अगला वाला सवाल क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेक्राइड एक कीटो हेक्सोज को दिखाता है, इनमें से बेटा कौन सा मोनोसेक्राइड एक आपके पास कीटो हेक्सोज को दिखाता है? बेटा फटाफट बेटा जल्दी से बेटा आंसर दीजिए बेटा, इनमें से कौन सा बेटा आपके पास कीटो हेक्सोज को दिखाता है बेटा? फटाफट बेटा जल्दी से बेटा आंसर दीजिए, समय बेटा होता जा रहा है। फटाफट बालक जल्दी से बेटा, फटाफट बेटा जल्दी से बेटा आंसर दीजिए बेटा, क्या बनेगा इनमें से बालक कौन सा बेटा ऐसा बनेगा कि जो आपके पास मोनोसेक्राइड जो एक ऐसा है बेटा जो कीटो हेक्सोज का एग्जांपल बन के बालक आता है? ऑप्शन दिए गए ग्लूकोज, आपके पास बालक लैक्टोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, अमेनोज। तो बालक आपके पास सही ऑप्शन बेटा कौन सा बनेगा बेटा? सही ऑप्शन बेटा आपके पास बन जाएगा फ्रक्टोज, ये बेटा फ्रक्टोज ऑप्शन आपके पास एकदम सही बन जाएगा कि बालक एक ऐसा ही मोनोसेक्राइड है जो कीटो हेक्सोज को दर्शाता है। ठीक है, चलिए
अगला वाला सवाल देखेंगे क्या कहा गया बेटा। अगला सवाल कि निम्नलिखित एल्डोज को बालक पहचाने, इनमें से बालक कौन सा आपके पास एल्डोज है, अरेबिनोज, जाइलोज, या बालक राइबोलोज, या बालक थोरबोज, इनमें से बेटा कौन सा आपके पास एक एल्डोज का एग्जाम्पल बालक दिया गया है, इनमें से बालक कौन सा आपके पास बेटा एल्डोज का एग्जाम्पल दिया गया है। तो बेटा आपके पास ऑप्शन कौन सा बन जाएगा बेटा, आपके पास बालक ऑप्शन बन जाएगा इनमें से बालक ऑप्शन ए अरेबिनोज। बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा सवाल बन जा रहा है आपके लिए बेटा, ये बहुत ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंट सवाल बेटा बन जा रहा है। जो आपके पास अरेबिनोज है ये आपके पास एक एल्डोज के एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर बेटा दिया गया है पहला ऑप्शन, ठीक है बेटा। और उसके बाद अगला सवाल एरिथुलोज एक आपके पास एग्जाम्पल है किसका, एल्डोडेट्रोज का, एल्डोहेप्टोज का, कीटोटेट्रोज का, या कीटोहेप्टोज का बेटा, इनमें से बेटा कौन सा बेटा बनेगा आपके पास एरिथुलोज बेटा किसका एग्जाम्पल बेटा बन के आएगा, फटाफट बेटा पहचानिए कि आपके पास एरिथुलोज किसका बालक एग्जाम्पल बन के आएगा। तो बेटा आपके पास ऑप्शन दिया गया है एल्डोटेट्रोज दिया गया है, एल्डोहेप्टोज दिया गया है, कीटोटेट्रोज दिया गया है, या कीटोटेप्टोज दिया गया है। तो आप कहेंगे सर ये जो आपके पास बनेगा वो बनेगा कीटोटेट्रोज बालक, कीटोटेट्रोज बालक किसका ऑप्शन बनेगा, एकदम सही। और हम बेटा अगले सवाल की तरफ बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से आपके पास एल्डोज के एक युग्म की पहचान कीजिए बेटा, निम्नलिखित युग्मों में से एल्डोज के एक युग्म की पहचान कीजिए। ऑप्शन दिया गया है सोरबोज, एलोज, मैनोज, टैगाटोज, या बेटा साइकोज, ग्लूलोज। बेटा उसके बाद आपके पास बेटा क्या दिया गया है, टेलोज, आयोडोज। और यहाँ बेटा आपके पास सही ऑप्शन बन जाएगा कि जो एक एल्डोज के युग्म को दर्शाएगा वो आपके पास कौन सा बनेगा, ऑप्शन डी वाला, टेलोज और आयोडोज, ठीक है। चलिए अगला वाला सवाल देखेंगे। अगले सवाल में आपसे क्या कहा जा रहा है कि सुक्रोज को दबाव में बालक हम कह सकते हैं ग्लूकोज को दबाव में 393 केल्विन ताप पर पतला H2SO4 के साथ उबालकर के बेटा हाइड्रोलिसिस से व्यावसायिक रूप से बालक तैयार किया जाता है, क्या स्टार्च तैयार किया जाता है बेटा, ग्लूकोज तैयार किया जाता है बेटा, या गैलेक्टोज तैयार किया जाता है, या आपके पास डेक्सट्रोज बेटा तैयार किया जाता है। तो हम कह सकते हैं बेटा ग्लूकोज से बेटा आपके पास उसको उबालकर व्यावसायिक रूप से बेटा आपके पास जनरली स्टार्च को तैयार किया जाता है बेटा, किसको बालक तैयार किया जाता है, स्टार्च को, ठीक है ना। चलिए अगला वाला सवाल देखेंगे बेटा। अगला सवाल क्या बोला जा रहा है आपसे, अगले सवाल बालक आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रक्रिया में एक्स को बालक पहचाने, निम्नलिखित बेटा प्रक्रिया में आपके पास एक्स को पहचाने कि एक एक्स आपके पास बेटा रिएक्टेंट है, या बालक हम कह सकते हैं बेटा एक आपके पास अभिकारक है एक्स, और जल के साथ अभिकृत करने पर आपके पास ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज देता है। एक्स आपके पास क्या होगा बेटा, एनसीईआरटी का सवाल है, बड़ा आसान है, सुक्रोज होगा, लैक्टोज होगा, माल्टोज होगा, या बालक आपके पास स्टार्च बनेगा, इनमें से बेटा क्या बनेगा। तो बेटा आप कहेंगे सर सुक्रोज बनेगा, ये बालक आपके पास क्या बनेगा बेटा, सुक्रोज। जब हम सुक्रोज को जल के साथ अपघटित करते हैं तो आपके पास बालक H प्लस आयन की सहायता से ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों बेटा सिंगल सिंगल मोनोसैकेराइड में टूट जाता है बेटा। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, पहला वाला, सुक्रोज। बालक अगले सवाल में बेटा आपके पास आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके साथ ग्लूकोज की प्रतिक्रिया से, बालक निम्नलिखित में से किसके साथ ग्लूकोज की प्रतिक्रिया से एल्डिहाइडिक समूह की उपस्थिति बालक सिद्ध होती है, पोटेशियम आयोडाइड, हाइड्रोक्सिल अमाइन, ब्रोमीन वाटर, या बालक एसिटिक एनहाइड्राइड, इनमें से बालक कौन सा बनेगा, फटाफट बेटा आंसर बेटा दीजिए, इनमें से बालक कौन सा बनेगा, फटाफट बेटा आंसर दीजिए बेटा, इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, फटाफट बेटा आंसर दीजिए बेटा, किसके साथ बालक आप कह सकते हैं कि ग्लूकोज की प्रतिक्रिया में एल्डिहाइडिक समूह की उपस्थिति बालक सिद्ध होती है। तो आप कहेंगे सर ब्रोमीन वाटर के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ बालक यहाँ पर आंसर एकदम आपके पास बालक सही बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए बालक अगले सवाल में हम आपके पास आगे बढ़ेंगे कि फेलिंग के परीक्षण पर ग्लूकोज आपको क्या बना के देता है, फेलिंग के परीक्षण पर बालक ग्लूकोज आपको बेटा क्या बना के देता है, या बालक कोई रिएक्शन नहीं करता है, चांदी का बालक निर्माण करता है, या बालक रेड प्रेसिपिटेट या लाल अवक्षेप बालक बनाता है, या बालक हम कह सकते हैं बेटा आपके पास तीखी गैस यानी प्यूजेंट गैस स्मेल करता है, इनमें से बालक क्या बनेगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हमको रेड प्रेसिपिटेट बेटा मिलता है, बेटा ये आपने पीछे बेटा पढ़ा था कि आपके पास फेलिंग के परीक्षण में ग्लूकोज बालक आपके पास रेड प्रेसिपिटेट को फॉर्मेशन देखने को बालक मिल जाता है। चलिए अगला सवाल, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ ग्लूकोज की प्रतिक्रिया बेटा किस चीज़ की पुष्टि कर देती है बेटा, कि ग्लूकोज की सीधी श्रृंखला का बेटा श्रृंखला की संरचना है, ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की उपस्थिति है, या ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह की बेटा उपस्थिति है, या ग्लूकोज में बेटा कीटो समूह की बेटा उपस्थिति है, इनमें से वाला कौन सा बेटा आपके पास ऑप्शन सही बनेगा। तो आप कहेंगे सर कि जब कभी भी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ ग्लूकोज की प्रतिक्रिया वाला कराई जाती है, या वाला तो पास क्या होता है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की पुष्टि बेटा हो जाती है, और बालक यही आपके पास कंफर्मेशन मिल जाता है कि ग्लूकोज में आपके पास कार्बोनिल समूह की उपस्थिति को बालक हम देख लिया करते हैं, ठीक है ना। चलिए
यहां तक बेटा सभी को बात बेटा क्लियर होती जा रही होगी। इंपॉर्टेंट बेटा सेशन है, मैं बार बार कहूंगा कि अपने दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है आपके पास, ठीक है ना। चलिए अगला आपके पास बेटा टॉपिक क्या दिया गया देखेंगे। अगला अगला वाला सवाल दिया गया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ग्लूकोज की प्रतिक्रिया, ग्लूकोज में कितने हाइड्रोक्सी समूहों की उपस्थिति के बालक अनुरूप बन के आती है। बालक यहां पर आपके पास देखा है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ग्लूकोज की प्रतिक्रिया, ग्लूकोज में कितने हाइड्रोक्सी समूह की उपस्थिति के बालक अनुरूप बन के आती है। तो आप कहेंगे सर पांच। बेटा कितनी बनती है बेटा, पांच बनती है। बालक अगला सवाल देखेंगे बेटा, अगला सवाल में क्या बोला जा रहा है आपसे, अगला सवाल आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रतिक्रिया के उत्पाद को पहचाने। आपके पास बालक ग्लूकोनिक अम्ल बनेगा, ग्लूटारिक अम्ल बनेगा, ग्लूटामिक एसिड बेटा बनेगा या ग्लूकेरिक एसिड बेटा बनेगा। आप देख पा रहे हैं बेटा कि यहाँ पे आपके पास ग्लूकोज को दिखाने के लिए एल्डोहेक्सोज में या बालक हम कह सकते हैं बेटा एल्डोज में आपको दिखाया जा रहा है और नाइट्रिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत करने पर आपके पास यहाँ बेटा क्या बनेगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपके पास बेटा बनेगा वो बन जाएगा ग्लूकारिक एसिड। बालक यहाँ क्या बनेगा आपके पास बेटा, यहाँ बनेगा ग्लूकेरिक एसिड, ये बेटा आपके पास उत्पाद के रूप में बनेगा, ठीक है। ये बेटा आपके पास एनसीईआरटी का सवाल है बेटा, एनसीईआरटी के टॉपिक से इसको निकाला गया बच्चे। और अगले हम सवाल में आपके बढ़ेंगे बेटा, अगला सवाल कहा जा रहा है कि फिशर द्वारा दी गई संरचना से बालक यौगिकों को पहचाने, ये ग्लूकोज के लिए है, ग्लूकोनिक अम्ल के लिए है, सैकेरिक अम्ल के लिए बेटा, या आपके पास बेटा सॉर्बिटल के लिए बेटा, किसके लिए बेटा बनेगा ये फटाफट बेटा पहचानिए बेटा किसके लिए बनेगा बच्चे, जल्दी से बेटा बालक ये किसके लिए बेटा बनेगा। तो आप कहेंगे सर ये आपके पास सैकेरिक अम्ल के लिए बेटा आपके पास यौगिक बनेगा, ये फिशर द्वारा दी गई दर्शाई गई बेटा संरचना है वो किसके लिए बेटा है, सैकेरिक अम्ल के लिए बेटा आपके पास दी गई है, ठीक है। चलिए अगला बालक सवाल देखिए क्या कहा गया है, NH2OH के साथ ग्लूकोज की प्रतिक्रिया बालक क्या बना के देती है। यह बालक हम कह सकते बेटा आपके पास अमीन के साथ बालक हमने क्या लगा रखा है बेटा, हाइड्रोक्साइड बेटा समूह को लगा रखा है और इसके साथ ग्लूकोज की प्रतिक्रिया क्या बना के बेटा देती है, नॉर्मल हेक्सेन बेटा बना के देती है। यह बालक आपके पास ग्लूकोज ऑक्सीन बेटा बना के देती है, यह बालक आपके पास ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बेटा बना के देती है, यह आपके पास ग्लूकोनिक अम्ल बना के देती है। तो आप कहेंगे सर जब कभी भी NH2OH के साथ ग्लूकोज की प्रतिक्रिया किया जाता है तो बेटा आपके पास क्या बेटा बना के देगा, ग्लूकोज ऑक्सीन बालक बना के यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बालक अगले सवाल में हम आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन एक पॉलीपेप्टाइड बन के आता है। बेटा यहाँ पर कौन सा बेटा ऐसा हार्मोन है जो आपके पास पॉलीपेप्टाइड का सीधा सीधा बालक एग्जाम्पल बना के दिखाता है और ये पॉलीपेप्टाइड से बेटा संबंधित है। एग्जाम्पल बालक आपके पास दिया गया एस्ट्रोजन दिया गया है, इंसुलिन बेटा दिया गया है और उसके बाद बेटा आपके पास दिया गया एपिनेफ्रिन दिया गया है। यहाँ बेटा चारों में बालक चारों में इनमें से बेटा कौन सा बेटा ऑप्शन आपके पास सही बनेगा जो यहाँ पर बताएगा बेटा कि हार्मोन जो है आपके पास एक पॉलीपेप्टाइड का एग्जाम्पल को दिखाएगा। तो बालक यहाँ पर आप बताएंगे बेटा कि एक ऐसा हार्मोन जो पॉलीपेप्टाइड के अंदर आता है आपके पास कौन सा आता है बेटा, इंसुलिन। इंसुलिन बेटा आपके पास पॉलीपेप्टाइड के अंदर बालक हार्मोन एक ऐसा है बेटा कि जो पॉलीपेप्टाइड की श्रेणी में आता है, ठीक है। चलिए अगला बालक सवाल देखेंगे, अगले सवाल बेटा आपसे क्या बोला जा रहा है कि हार्मोन है एक कौन सा, संदेशवाहक, उत्प्रेरक या एंजाइम या बालक अवरोधक। ये बालक आपसे पूछा गया बेटा, हार्मोन्स आपके पास क्या होते हैं बेटा, हार्मोन्स आपके पास बालक कैसे होते हैं, संदेशवाहक होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं, एंजाइम्स होते हैं या अवरोधक होते हैं। तो बेटा आपको पता है कि हार्मोन्स हमेशा बेटा आपके जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं बेटा, संदेशवाहक का बालक काम करते हैं, मैसेंजर का बालक काम करते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला बालक सवाल देखिए बेटा, अगले सवाल में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अमीन हार्मोन से बालक संबंधित नहीं है। इनमें से बालक कौन सा आपके पास अमीन बेटा हार्मोनों से संबंधित बेटा नहीं है। ऑप्शन दिया गया है नॉरपेनेफ्रिन या बेटा आपके पास कह सकते हो बेटा एड्रेनालिन, थायरोक्सिन या बालक ऑक्सीटोसिन। तो बालक ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, डी ऑक्सीटोसिन। ये अमीन हार्मोन बालक नहीं है और ये सवाल बेटा एनसीईआरटी से ही दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला बालक सवाल देखिए दिया गया है, उस हार्मोन की पहचान करें जो रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बालक बढ़ाता है। बालक उस हार्मोन की पहचान करें जो रक्त में बेटा आपके पास ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है। बेटा फटाफट बेटा पहचान करिए, इंसुलिन है आपके पास, ग्लूकोजिन है या बालक ऑक्सीटोसिन है या बालक आपके पास वैस्पोप्रेसिन है बेटा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आपके पास ग्लूकागन होता है बेटा, वो आपके पास ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है बेटा। ऑप्शन बी बेटा, ऑप्शन बी जो आपके पास है वो एकदम आपके पास सही है बेटा। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे लड़ाई या उड़ान हार्मोन के रूप में बेटा जाना जाता है। जैसे हमको बेटा जब गुस्सा आता है ना तो बेटा हम लोग कहते हैं कि भैया इनमें से बेटा कौन सा आपके पास ऐसा बेटा हार्मोन होता है बेटा जो लड़ाई के लिए या बालक हम कह सकते हैं बेटा उड़ान हार्मोन के रूप में जाना जाता है। इंसुलिन तो बेटा कभी नहीं होगा, थायरोक्सिन बालक नहीं होगा, आपके पास नॉर एपिनेफ्रिन बालक नहीं होगा। तो बालक कौन सा बनता है बेटा, आपके पास एपिनेफ्रिन बालक यहाँ पे बनता है लड़ाई या बालक उड़ान हार्मोन के रूप में।
बालक अगला सवाल आपसे क्या कहा जा रहा है, देखेंगे कि कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म और उसके बाद महत्वपूर्ण बालक भूमिका को निभाता है। यहां पर ऑप्शन आपके पास दिया गया एस्ट्रोजन निभाता है बेटा, आपके पास ऑप्शन दिया गया एस्ट्रोजन बेटा निभाता है, आपके पास प्रोजेस्टेरोन दिखाता है, कॉर्टिसोन दिखाता है, या ऑक्सीटोसिन बालक दिखाता है। आपके पास बालक इनमें से कौन सा ऑप्शन सही बनेगा जो आपके पास जन्म के बाद महत्वपूर्ण बेटा भूमिका को निभाता है। तो बालक आप कहेंगे सर कि जो हार्मोन आपके पास महत्वपूर्ण भूमिका को दिखाता है वो कौन सा है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन बेटा आपके पास एकदम सही बन के आएगा। और उसके बाद अगले हम सवाल में आगे बढ़ेंगे तो आपसे क्या कहा जा रहा है कि घेंगा रोग किस हार्मोन से बालक संबंधित है। तो बालक आप देख पा रहे हैं बेटा किससे बेटा, आपके पास थायरोक्सिन हार्मोन से बालक संबंधित है। बालक घेंगा रोग जो ग्वाइटर गले में हो जाता है बेटा वो थायरोक्सिन ग्लैंड में होता है और ये आपके पास थायरोक्सिन हार्मोन से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला वाला सवाल देखेंगे कि आहार में किस घटक की कमी हाइपोथायरॉयडिज्म का कारण बालक बनती है। बेटा आहार में किस बालक आपके पास घटक की कमी से बेटा हाइपोथायरॉयड का बालक कारण बेटा बन के आता है आपके पास, और यहां पर आपके पास बालक दे रखा है ऑप्शन में बेटा, पहला ऑप्शन पोटेशियम, विटामिन सी, आयोडीन या बालक वाटर, इनमें से बेटा किसकी कमी करने पर बालक आपके पास हाइपोथायरॉयड बालक नाम की बीमारी बेटा देखने को मिलती है। तो आप कहेंगे सर आयोडीन, यहाँ बालक आयोडीन की बालक कमी से हम देखते हैं बेटा कि यहाँ पर आहार में आयोडीन की कमी है, तो आपके पास जनरली बेटा बीमारी किसकी आती है और आहार बालक किसकी आयोडीन की बालक कमी पे हाइपोथायरॉयडिज्म का बालक एक कारण यहाँ बनके आपके पास निखर कर आती है बेटा। ठीक है, चलिए अगला सवाल बेटा देखेंगे आपके पास क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से बेटा कौन सा स्टेरॉयड हार्मोन बालक जारी नहीं करता है। बेटा इनमें से बेटा कौन सा आपके पास स्टेरॉयड बेटा हार्मोन को जारी नहीं बेटा करता है। आपके पास बालक टेस्टिस है बेटा, ओवरी है, या बेटा एड्रिनल है, या बेटा पैनक्रियाज है, इनमें से बेटा कौन सा बालक आपके पास स्टेरॉयड हार्मोन को बेटा जारी नहीं करता है। तो आपके सर यहाँ पे आपके पास पैनक्रियाज है, अग्नाशय है बेटा, ये आपके पास स्टेरॉयड हार्मोन को जारी नहीं करता है। और यहाँ पे बालक आपके पास 37वां सवाल, कौन सा हार्मोन शरीर में पानी और खनिजों के बेटा संतुलन को नियंत्रित करता है। बालक इनमें से बेटा कौन सा हार्मोन बेटा आपके पास पानी और आपके पास शरीर में खनिजों के बेटा संतुलन को नियंत्रित करता है बेटा। तो आप कहेंगे सर मिनरल कॉर्टिकोइडाइज बेटा आपके पास जो हार्मोन्स है ये आपके पास शरीर में पानी और खनिज के संतुलन को बेटा नियंत्रित करने में लगा रहता है। ठीक है, चलिए अगला वाला सवाल दे रखा है आपके पास, आखिरी सवाल बेटा, किस हार्मोन की कमी से एडिसन बेटा रोग होता है। बालक किस हार्मोन की कमी से बेटा आपके पास एडिसन रोग होता है। बालक किस हार्मोन की बेटा कमी से एसिडिन बेटा रोग होता है, और ऑप्शन दिए गए ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, नॉरपेनेफ्रिन। बेटा ये तीनों जो आपके पास बालक नहीं होंगे, ऑप्शन कौन सा बन जाएगा बेटा, ए वाला। और यहां से बेटा सेशन की हम एंडिंग करते हैं बेटा, और सेशन बालक सवाल आपके पास 37 ही थे, और यहां बालकों मैं आपसे इतना भर कहूंगा कि इस सेशन को जल्दी से जल्दी बेटा ज्यादा से ज्यादा बेटा लोगों के बीच में शेयर करिए, ताकि बायो मॉलिक्यूल से जितने भी आपके पास इंपॉर्टेंट सवाल बेटा बनेंगे उसको आप लोग अटेंड कर पाएंगे, उसको बेटा आप कर पाएंगे। ठीक है, तो कोशिश ये करिए बेटा कि सबसे पहले क्लास को ज्वाइन करिए समय से, और क्लास को ज्वाइन करने के बाद क्लास को पूरी बेटा वीडियो को देखा करिए, और साइंस दीवाने विद्याकुल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बालक चैनल को शेयर बेटा जरूर कर दीजिएगा। बेटा बहुत मेहनत करते हैं ना आपके लिए, तो इसलिए थोड़ा सा बेटा आप लोग भी दिखाइए और चैनल को शेयर करिए और बालक सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं बेटा अगले सेशन में।